देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी डरी सहमी हुई है और ये लगातार इंडिया गठबंधन से डरी सहमी है। मुख्यमंत्री को पहले भी इन्होंने जेल भेजा, झूठा आरोप लगाया। अब चूंकि फिर से ये चाल चल रहे हैं, अब तो जनता की अदालत में सारी चीज का फैसला होना है, तो जनता की अदालत में फैसला होने से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी डरी सहमी हुई है। सारी शक्ति झोंक देने के बाद भी इनको कहीं से भी जनता का कोई विश्वास दिख रहा नहीं है, जनता इनके साथ नहीं दिख रही है, तो ये डरे सहमे लोग हैं, इसलिए इस तरह का जो है कुचक्र रच रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं सर, अमित शाह मोदी जी का प्रोग्राम, अरे तो आना ही चाहिए, उनको तो पंचायत चुनाव में भी आना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं बचा है, वो मुद्दों पर बात नहीं करती है, केवल बेवजह बेतुकी बातें करके कहीं ना कहीं जो उनका एक प्लान था शुरू से कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल भेज करके और किस तरह से पच्युत किया, ये किसी से छुपा नहीं है। तो अब ऐसे में वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक सरकार बनने जा रही है, उसके मुखिया को कैसे डिस्टर्ब किया जाए। ये सही है कि पिछले बार 42 होगा, इस बार 47 होगा, मैं ये समझ भी जाता हूँ। तो जब चुनाव आयोग ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उनकी उम्मीदवारी घोषित हो गई, तो अब उनको जहाँ जाना चाहिए उचित प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ हाय तौबा मचाने से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बुरी तरह से हार रही है और अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए वो इस तरह की बातों में हमें उलझाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में होगा वही उन्होंने दर्ज किया होगा। अब पिछले बार 42 का था, उन्होंने किस प्रकार से ढूंढा है और किस तरह से काम कर रहे हैं वो तो हम नहीं बता सकते। हम इतना जानते हैं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी उम्मीदवारी घोषित हो चुकी है, तो अब इनके घबराने से कुछ होना जाना नहीं। ये पूरा मामला चुनाव आयोग देखेंगे या बीजेपी देखेगी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मामले को अपने आप देख रही है। चुनाव आयोग ने सभी कुछ को देख करके ही उनका नॉमिनेशन को एक्सेप्ट किया है, तो घबराहट में अब कोई इस तरह की बयानबाजी करे तो हमें नहीं लगता कि उनका कोई फायदा होने वाला है। ठीक है, वो जहाँ जाना है जाना चाहिए उनको, लेकिन हम ये समझते हैं कि उम्मीदवारी से घबराना नहीं चाहिए। वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें कहीं किसी को कोई गलतफहमी है तो उसको दूर कर लेना चाहिए। कि ईसी और बीजेपी का बंटी बबली का जो गठबंधन है, इस राज को कॉरपोरेट के लिए लूटने का जो प्लान बना रही है, उसके खिलाफ यहाँ पर हम लोगों का आज ज्ञापन था, विस्तृत 4:30 बजे बताएंगे। ये सारे जितने राजनीतिक तौर पे बेवकूफ लोग हैं वही ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राजकुमार जादूगर राजकुमार। चलिए।